हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का चौथा अध्याय औद्योगिकरण का युग का भाग 11 देखेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आपने पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरीके से भारत में बहुत सारे उद्योग स्थापित हुए, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हुए जिन्होंने भारत में कई इंडस्ट्री की स्थापना की। और अब हम देखेंगे कि उन इंडस्ट्री में काम करने के लिए मजदूर जो है वो किन क्षेत्रों से आए थे। आपको जैसा पता है बच्चों कि अगर कहीं भी फैक्ट्रियां स्थापित होती हैं, तो फैक्ट्री अगर स्थापित होंगी तो हमें वहां मजदूरों की आवश्यकता होगी। और जैसे जैसे चूंकि इंडिया में फैक्ट्री जो है वो लगातार उनकी संख्या बढ़ रही थी, तो उससे मजदूरों की मांग में भी बढ़ोतरी हो रही थी। फैक्ट्रियां होंगी तो मजदूर होंगे ही, और फैक्ट्रियों के विस्तार से मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी थी। अगर हम 1901 में देखें तो भारतीय फैक्ट्रियों में अगर हम देखते हैं तो 5,84,000 मजदूर जो है वो काम करते थे। और 1946 में लगभग अगर हम देखें तो 45 सालों बाद जो है ये संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में जो मजदूर थे वो कहाँ से आ रहे थे, किन क्षेत्रों से जो है वो आए थे यहाँ पर काम पाने के लिए। तो ज्यादातर जो मजदूर थे वो औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। तो जो भी औद्योगिक इलाके होते थे वहां से जो भी वहां पे जो मजदूर काम करते थे, जो वर्कर काम करते थे, वो आसपास के जिलों या आसपास के डिस्ट्रिक्ट से ही आते थे। जिन किसानों कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था तो वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगे थे। तो क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे थे, कारीगर थे, जिनको कि गांव में उनके पास कोई काम नहीं था, वो बेरोजगार थे, तो इसीलिए जो है वो काम पाने के लिए औद्योगिक केंद्र की तरफ उन्होंने रुख किया था। 1911 में अगर हम देखें तो बम्बई के सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज्यादा मजदूर पास के जो रत्नागिरी जिले से आए थे। जैसा कि जो भी औद्योगिक क्षेत्र होता था उसके आसपास से ही लोग आते थे, तो उसी तरीके से बम्बई में भी जो है वो कपड़ा मिल में काम करने वाले जो मजदूर में 50% से ज्यादा जो मजदूर का प्रतिशत था वो वहां के आसपास के जिलों का था, जैसे कि रत्नागिरी से लोग आते थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज्यादातर जो लोग थे, जो मजदूर थे, वो कानपुर जिलों के गाँव से ही आते थे। इसके अलावा जो है मिल मजदूर बीच बीच में अपने गाँव जाते थे और वे फसलों की कटाई और त्योहारों के समय गांव लौट जाते थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे गांव में जिनके पास जो है काम नहीं होता था, तो वो बीच में जो है वो मजदूरी का काम करते थे, और जब फसलों की कटाई का समय आता था तब जो है वो गांव की तरफ जो है लौट जाते थे। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये वही जो है कामगारों और मजदूरों का ये चित्र है। मिल मजदूर बीच बीच में अपने गाँव जाते रहते थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया, और फसलों की कटाई के समय वो गांव लौट जाते थे। इसमें आप देखिए कि बम्बई में एक मिल के युवा कामगार है। 20वीं सदी की शुरुआत जब मजदूर गांव जाते थे तो अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते थे, मतलब वो अपने आप को इस तरीके से दिखाते थे कि देखिए हम जो है जब बाहर गए हैं तो हमारी कंडीशन जो है वो ज्यादा अच्छी हो गई है। बाद में जब नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से भी लोग आने लगे। तो जब लोगों के बीच में यह खबर फैली, ये न्यूज फैली कि जो बड़े बड़े शहर है जहाँ पर की इंडस्ट्री या फैक्ट्रियां जहाँ लगी हुई है वहाँ पे बहुत ज्यादा वर्कर की डिमांड है, तो इस जब ऐसी न्यूज लोगों में फैली, इस तरीके की बात हुई, तो वे जो लोग जो है दूर दूर से उन क्षेत्रों में उन औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ जो है जाने लगे थे। उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत के जो लोग हैं वो बम्बई के कपड़ा मिल की ओर गए और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे। तो भारी संख्या में लोग जो है वो यहाँ जाने लगे थे। नौकरी पाना हमेशा ही मुश्किल था, हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगार के मुकाबले हमेशा ज्यादा रहती थी। तो ऐसा नहीं था कि नौकरी पाना बहुत आसान था कि कोई भी व्यक्ति गया और उसको आसानी से नौकरी मिल गई, नहीं, ऐसा नहीं था। जैसे कि आपने ब्रिटेन में देखा उसी तरह की कंडीशन भारत में भी थी कि यहाँ भी जो है वो नौकरी पाना इतना ज्यादा आसान नहीं था। हाँ, हालांकि ये जरूर था कि दिन प्रतिदिन जो है मिलों की संख्या बढ़ रही थी, नई नई फैक्ट्रियां स्थापित हो रही थी जिसके कारण मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी, लेकिन हमेशा से ये प्रॉब्लम हमेशा रही है कि रोजगार, जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए उसके मुकाबले जो है इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रही थी।
मिलों में प्रवेश भी निषिद्ध था, तो मिलों में ऐसा नहीं था, रिस्ट्रिक्शन था वहां पे, उनकी एंट्री में भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जॉबर रखते थे, और जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली जो है वो खुद ही या स्वयं जो है वो मजदूरों की भर्ती करते थे, नहीं, वो जो जो लोगों का रिक्रूटमेंट होता था, जो लोगों की भर्ती की जाती थी वो जॉबर के द्वारा की जाती थी। तो वो एक जॉबर हायर करते थे उद्योगपति, और जॉबर उसी व्यक्ति को बनाया जाता था जो कि बहुत पुराना हो और उनका बहुत विश्वास पात्र जो है वो वर्कर होता था। वह अपने और जो जॉबर होते थे वो अपने गांव से लोगों को ले जाते थे, उन्हें काम का भरोसा देते थे और उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देते थे। और इसके साथ साथ मुसीबत में अगर वो मुसीबत में होते थे तो उन्हें पैसे से भी आर्थिक सहायता भी प्रदान करते थे। इस प्रकार जो है जॉबर ताकतवर और मजबूर जो है व्यक्ति बन गया था। तो समय के साथ साथ जो जॉबर थे उनकी जो पोस्ट थी वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी, बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। और लेकिन बाद में क्या किया, इन जॉबर ने जो अपनी पोजीशन का मिसयूज करना प्रारंभ कर दिया। बाद में जॉबर मदद के बदले पैसे और तोहफों की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगे। तो बाद में इन्होंने जो है वो घूस लेना भी प्रारंभ कर दिया, पैसे लेना प्रारंभ कर दिया, और मजदूरों की एक तरीके से लाइफ को इन्होंने कंट्रोल करना चाहा। आप एक ये चित्र में देख सकते हैं ये जॉबर का जो है किस तरीके से व्यक्तित्व को दिखाया गया है, उनका आज और उनके कपड़ों से ही जो है उस जॉब की सत्ता का पता चलता है कि वो कितने पावरफुल थे। समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे कि कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत छोटा था। ये जरूर था कि फैक्ट्री समय के साथ साथ फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी थी, लेकिन अभी भी अगर हम देखते हैं तो कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात जो है उनका परसेंटेज बहुत कम था। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अहमदाबाद के एक मिल में कताई में लगी मजदूर औरत औरत मुख्य रूप से कताई विभाग में ही काम करती थी। तो ये सारी चीजों को हमने देखा है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो सबसे पहले आज हमने देखा कि किस तरीके से जो भारत में कैसे कैसे इंडस्ट्री की स्थापना हुई, और जब किसी उद्योग की स्थापना होती है, किसी फैक्ट्री की स्थापना होती है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे वर्कर और मजदूरों की भी आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे भारत में फैक्ट्री का सेटअप बढ़ता गया, वैसे वैसे जो है मजदूरों के डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ती चली। अब आज हमने ये देखा कि वो मजदूर जो है वो कहाँ से आए थे, वर्कर हमें कहाँ से मिलना प्रारंभ हुए। तो हमने देखा कि जो भी औद्योगिक इलाके थे उसके आसपास के जो जिले हैं वहां से ही अधिकतर जो मजदूर होते थे वो कैलाश में आते थे। जैसे कि आपने देखा कि बम्बई के जो कपड़ा मिल में काम करने वो मुख्य रूप से 50% से भी जो ज्यादा मजदूर थे वो रत्नागिरी जिले से आए थे, जो कि मुंबई के पास ही स्थित है। उसी प्रकार से कानपुर में काम करने के लिए जो है आसपास के कानपुर के आसपास के जो गांव है वहां से मजदूर आए थे। और इसके साथ साथ जो है हमने ये भी देखा कि लोग जो है चूंकि गांव में बहुत सारे इतनी ज्यादा बेरोजगारी थी, तो जो किसान होते थे, कारीगर होते थे, वो काम की तलाश में उन्होंने औद्योगिक इलाकों और शहरों की तरफ रुख किया था। इसके साथ साथ हमने आज ये भी समझा कि जॉबर जो है किस तरीके से जॉबर जो थे वो मजदूरों की लाइफ को नियंत्रित करने की कोशिश करते थे, और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली पोस्ट था। वो मुख्य रूप से जो होता है मिलों में मजदूरों का की नियुक्ति के लिए जो है वो उनको रखा गया था। तो आज हम इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस किए।